मेरा नाम श्यामलता सौभाग्य श्यामलता देसाई है। मैं ग्राम पंचायत खेगांव की सरपंच। हमारा पंचायत में नाला गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय निर्देश अनुसार गड्ढों का भी कार्य किया गया है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजपूत है। मैं खेगांव ग्राम पंचायत सचिव हूँ, वर्तमान में खेगांव पंचायत में कार्यरत हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में 3 गांव सम्मिलित है, खेगांव, पालसुदमाल और काकरिया, जिसकी जनसंख्या 2310 है। 1200 पुरुष है, 800 महिलाएं हैं और 56 पेंशन के हितग्राही है, जिसमें 28 वृद्धावस्था पेंशन के हैं, 1 विकलांग पेंशन है और 10 विधवा महिलाएं हैं। वर्तमान में नाला गहरीकरण का कार्य चल रहा है और सोखते गड्ढों का कार्य कलेक्टर के निर्देश अनुसार सोखते गड्ढों का कार्य कर दिया गया। मेरा नाम गौरव पाल है। मैं खेगांव गांव में आपका कार्यकर्ता का कार्य करती हूँ। हम मतलब ये आशा कार्य ग्राम मतलब गांव में स्वास्थ्यता के तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी होती है गांव में देते हैं और उसके बाद डिलीवरी केस वगैरह कराते हैं, बच्चों का टीकाकरण कराते हैं, ग्राम पोषण दिवस मनाते हैं हम लोग। और मतलब जैसे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि टी वी वगैरह है और किस टी वी की बीमारी हो किसी को खांसी के वक्त तक ज़्यादा खांसी वगैरह चलती हो तो उनको हम मतलब उनकी सरकार की जाँच करवाते हैं। मलेरिया होने पर मतलब उनकी सलाइन वगैरह को खाना चाहते हैं, सलाइन बनाते हैं। जैसे कि बारिश का समय चल रहा है तो हम लोगों ने जैसे कुएं में तो पाउडर वगैरह डलवाए, गाँव में क्लोरीन की गोलियाँ बांटे, तो मौसम के आधार पर मतलब जो भी मतलब परेशानी होती है उसका हम संबंधित हर प्रकार की जानकारी देते हैं। मेरा नाम सुनीता पाल है। मैं खेगांव स्टेशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। सहायिका का नाम सुनीता पाल है, उसका नाम वो भी खेगांव स्टेशन में सहायिका के पत्ते है। उसके बाद हमारे आंगनवाड़ी में पियोगरों का खाद्यान्न वितरित किया जाता है हर मंगलवार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को। इसमें 3 वेरायटी है, हर एक वेरायटी एक मंगलवार को दी जाती है। उसके बाद गर्भवती माता का भी यही पैकेट, गर्भवती और धात्री और किशोरी बालिकाओं का अलग खाद्यान्न आता है, उनको भी इसी प्रकार दिया जाता है। हर मंगलवार को एक वैरायटी दी जाती है। इसमें 3 प्रकार का खाद्यान्न, सोया बर्फी है, आटा बेसन लड्डू है एवं खिचड़ी है। और बच्चों में भी 3 वैरायटी है, बाल आहार है, हलवा है और खिचड़ी है, ये 3 दिए जाते हैं। उसके बाद मंगल दिवस के कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले मंगलवार को है गोद भराई का कार्यक्रम, इसमें हम 7वें माह की गर्भवती को पहले से ही चिन्हित करके रख लेते हैं, जो इस माह में 7वें माह की रहती है उसकी गोद भराई की जाती है। उसे समझाइश भी दी जाती है कि आयरन की गोलियाँ सब गोलियाँ खाएं, टीबी के टीके लगाएं, 3 बार स्वास्थ्य जाँच करवाएं। उसके बाद फिर उन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि प्रसव अस्पताल में ही करवाएं, संस्थागत प्रसव करवाएं, कभी भी घर में नहीं डिलीवरी करवाएं। उसके बाद फिर दूसरे मंगलवार को आता है अपना अन्नप्राशन का कार्यक्रम। दूसरे मंगलवार को जो बच्चे 6 माह के हो जाते हैं उन्हें हम अन्न देने की, अन्नप्राशन का अर्थ है कि अन्न देने की शुरुआत करना है। बच्चे को माता को समझाई दी जाती है कि अब आपका बच्चा 6 माह का हो गया है, उसे ऊपरी आहार की जरूरत है, हम उसे ऊपरी आहार देना शुरू करें 6 माह के बाद। जैसे मसला हुआ आलू है, दाल चावल है, हलवा है, खिचड़ी है, मसला हुआ केला है, इससे 6 माह तक बच्चे को माँ के दूध से पूर्ति हो जाती है, लेकिन 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी आहार की जरूरत पड़ती है। जैसे जन्मे हुए होते हैं उस माह के सभी बच्चों को हम पहले से ही चिन्हित करके 3रे मंगलवार को आंगनबाड़ी में बुलाते हैं, उनके माता पिता को भी बुलाते हैं। उन्हें खिलौने के रूप में कुछ भी पेन पेंसिल डिब्बा या खिलौने प्लेट जो भी होता है वो देते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें कभी नहीं आते हैं उनको भी देते हैं। और चौथा मंगल है किशोरी बालिका दिवस। इस दिन 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत साफ सफाई की समझाइश देते हैं, उम्र की विवाह की सही उम्र की जानकारी देते हैं, पढ़ाई का महत्व बताते हैं,
खाद्यान्न के बारे में बताते हैं कि संतुलित आहार खाना और माह में एक आयरन की गोली जरूर खाना, हर सप्ताह एक गोली माह में आयरन की गोली खाना, इससे खून की कमी की पूर्ति हो जाती है। अपोल सिंह है, मैं ग्राम खैगांव में रहता हूँ। मेरे को ग्राम पंचायत द्वारा कपिल धारा का कुआं मिला है और उससे फसल अच्छी होती है, और कुआं नहीं था, फसल कम हो रही थी, अब कुआं हो गया, फसल भी अच्छी हो रही है। मैं सरपंच सचिव को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम नीलेश है, मैं ग्राम पंचायत खैगांव में रहता हूँ। मुझे ग्राम पंचायत से इंदिरा आवास मिली। मन्नू भाई है, मैं ग्राम खैगांव में रहती हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा शौचक मिला है, हम इसका डेली इस्तेमाल करते हैं। मैं सरपंच और सचिव को धन्यवाद कहती हूँ। मेरा नाम रीना भाई है, ग्राम में रहती हूँ। मैं सरकार द्वारा लाडली योजना का लाभ मिला है। लड़की का नाम राज नंदिनी है, 3 साल की। मैं रियाज खान, ग्राम खेगांव, विकासखंड बुनासा, ग्राम पंचायत खेगांव का निवासी हूँ, और मुझे विकलांग पेंशन मिलती है। नाम जसोदा है, मैं ग्राम खेगांव में रहती हूँ। मुझे पंचायत द्वारा पेंशन मिलती है। मैं सरपंच सचिव को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम मिश्री भाई है, मैं खेगांव रहती हूँ। पंचायत द्वारा मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है, 350 मिलती है पंचायत द्वारा।